हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं संजय कुमार, द्रोणा एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम पे आपका स्वागत करता हूँ। अपन ने पिछले लेक्चर में 2.1, 2.2 और 2.3 से पहले जो थ्योरी पढ़नी होती है वो अपन पढ़ चुके हैं, और उस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, वो आप किए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन 2.3 के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपके सामने लिखा, क्या दे रखा आपको, पी एक्स भी क्या है पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी आपके सामने क्या पॉलिनोमियल है। अब पी एक्स को आपको क्या करना है, जी एक्स से डिवाइड करना है। ये पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जी एक्स भी क्या है पॉलिनोमियल है। इस पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और आपको क्या फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना। अब देखो, फर्स्ट का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब आपको क्या निकालना है, इसमें रिमाइंडर भी फाइंड करना और कोशेंट भी फाइंड करना। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पे अपने पास में क्या एक्स क्यूब है, तो इसकी फर्स्ट टर्म, ये पहले देखो ऑर्डर में है, क्यूब के बाद में स्क्वायर, फिर एक्स और कॉन्स्टेंट, ऑर्डर में है। यहाँ पे भी ये ऑर्डर में है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे आप किससे करोगे, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स है ना, एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो एक्स, इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है डिवीजर से, तो डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इसको, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस टू एक्स, क्या बन जाएगा, माइनस टू एक्स। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो ये जो प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जो माइनस का है ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो, ये माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 5x और प्लस 2x मिलके कितना बनाएंगे, प्लस 7x, ये हो जाएंगे प्लस 7x। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे अपन, x स्क्वायर से, माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में क्या है, माइनस 3। अब यहाँ पे रखा मैंने माइनस 3, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस 6, प्लस 6। तो यहाँ से आप ये 3 वाली टर्म यहाँ पे पुट करो और कितना आ गया, प्लस 6, माइनस 3 था, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज, ये प्लस तो ये कैंसिल, 7x माइनस 9, ये अपना क्या रिमाइंडर है, ये वाला क्या है, ये वाला कोशेंट है, और ये डिविजर है, ये क्या है, डिविडेंड है। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखा पी एक्स दे रखा है, एक्स फोर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, किससे डिवाइड करना है इसको आपको, डिवीजर है आपके, देखो डिवीजर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये ऑर्डर में नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद में क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक्स स्क्वायर के बाद में कौन सी टर्म आनी चाहिए, एक्स वाली आनी चाहिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, ठीक है, ऑर्डर में नहीं था इसको मैंने ऑर्डर में लिखा। अब यहाँ से देखो, एक्स फोर को डिवाइड करेंगे अपन, फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या, एक्स फोर किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट किया, एक्स स्क्वायर से डिविजर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिविजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है तो माइनस एक्स क्यूब को यहाँ पे लिख लो, ये किसी के भी नीचे नहीं है, अलग से मैंने लिख दिया है ना, माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का था ये क्या हो गया प्लस, ये प्लस का ये माइनस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया ये। अब यहाँ से देखो, यहाँ से पहले अपन एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं लेंगे, यहाँ से पहले क्या लेंगे, एक्स क्यूब वाली टर्म लेंगे, तो एक्स क्यूब, अब इन दोनों को माइनस और माइनस क्या होंगे, ऐड होंगे,
और माइनस फोर एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म है 4x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x क्यूब को डिवाइड करना है, किससे करना है, x स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x क्यूब को डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, x। यहाँ पे मैंने पुट किया प्लस x, x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो x क्यूब हो गया, x क्यूब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस था तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स कितना बन जाएगा, प्लस थ्री एक्स, क्या बन जाएगा, प्लस थ्री एक्स। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म क्या है, फाइव है तो प्लस फाइव लिया मैंने। अब यहाँ से माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस थ्री, क्या आएगा, माइनस थ्री। अब इस माइनस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, डिविजर से, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री। अब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया जीरो, प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स मिलकर भी क्या हो जाएंगे, जीरो, फाइव और थ्री हो गए एट। ये क्या अपना रिमाइंडर है, ये वाला क्या है, कोसेंट, ये आपको अलग से लिखना है, ये क्या है, कोसेंट है और ये क्या है, डिविजर, ये क्या है, डिविजर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का देखो, थर्ड क्वेश्चन में किसको डिवाइड करना है, एक्स फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स किससे डिवाइड करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑर्डर में नहीं है तो इसको ऑर्डर में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x वाली टर्म आगे आएगी फिर कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है इसको। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या, आपने x4 है, x4 को डिवाइड करना है आपको माइनस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर और क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पे आया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स फोर, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर, अलग से लिख दिया इसको, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है इधर। अब ध्यान दो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे अपन माइनस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आया, माइनस टू, तो यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी माइनस टू, माइनस टू से मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से 6 लिया अपन ने, माइनस को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस 4, माइनस टू को प्लस टू से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, टू को टू से मल्टीप्लाई फोर, माइनस सात में तो क्या आएगा, माइनस फोर। अब प्लस माइनस जीरो, ठीक है, यहाँ से ये आएगा माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, क्या आ गया, माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। अब देखो यहाँ से ये डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या बन गया आपने, ये क्या है, इसका रिमाइंडर है, ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर है, ये वाला क्या है, कोसेंट है, और ये है डिविजन। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये वाला किसका फैक्टर है, सेकंड पॉलिनोमियल का, ये अपने को चेक करना है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है उसको क्या करना है अपने को, फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करके चेक करना है। अब जैसे कोई नंबर होता है, जैसे अपन ने लिया 15, ये
फैक्टर है, जैसे 3 का है, 5 का है, तो ये 5 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर है, है ना। 15 का फैक्टर 3 है, मतलब 3 से जब इसको 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सेम वैसे ही यदि ये वाला सेकंड वाला पॉलिनोमियल फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का यदि फैक्टर है, तो जब अपन फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को सेकंड वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब अपन डिवाइड करके चेक करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसी का, फर्स्ट में क्या अपने पास में टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना आपको, 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अंदर सेकंड वाला पॉलिनोमियल लिखा, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल लिखा। अब डिवाइड करके चेक करना है अपने को। यहाँ से देखो यहाँ पे कितना है, 2t4, 2t4 को डिवाइड करना आपको टी स्क्वायर से, तो क्या आएगा टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर 2t2, कितनी बार हुआ डिवाइड हुआ, 2t2 बार। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2t2, 2t2 को डिविजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t4, 2t2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60, क्या आएगा माइनस 60। अब यहाँ पे देखो बीच में क्यूब वाली टर्म है, लेकिन 60 आ रहा, तो मैं स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखूंगा। आपको भी ऐसे ही करना, ठीक है। साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्ट करने पे, इसका भी साइन चेंज, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से देखो 3t3 प्लस का था, प्लस 60 माइनस 2t2 क्या बन जाएगा, प्लस 4t2। प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, क्या बनेगा, प्लस का 4t2 साथ में है, ठीक है। 3t3 है, इसको डिवाइड करना आपको t2 से, तो क्या बनेगा 3t, किसका है 3t, प्लस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, प्लस 3t। अब 3t को मल्टीप्लाई करो डिविजर से, तो क्या बन जाएगा 3t3 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9t। यहाँ से टी वाली टर्म भी साथ में ले चलता अपन, माइनस 90 था। अब देखो प्लस 3t को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 90, क्या आ रहा, माइनस 90। अब साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्ट करने पे, ये 0 हो गया, माइनस प्लस ये भी 0 हो गया, इधर क्या आ गया 4t2 साथ में क्या है, माइनस 12। अब 4t2 को t2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4t2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12, प्लस माइनस, रिमाइंडर क्या आ रहा, 0, रिमाइंडर क्या आ रहा, 0। तो अब आपको क्या लिखना है, t2 माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12, क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी का सेकंड चेक करते हैं अपन, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है आपको x2 प्लस 3x प्लस 1 से, किससे डिवाइड करना है, x2 प्लस 3x प्लस 1 से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या, 3x4 है, तो 3x4 को डिवाइड करते हैं अपन x2 से, तो क्या आएगा 3x2। 3x2 को डिविजर से मल्टीप्लाई करना है, तो डिविजर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, 3x4। 3x2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, x2 को मल्टीप्लाई तो 9x2। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्यूब वाली टर्म है, तो यहाँ पे लिखो x2 वाले के नीचे क्या लिखा अपन ने, प्लस 9x2। अब 3x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं देखो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था ना, तो 3x2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, साथ में x है तो क्या बन जाएगा, 9x3 बनेगा, तो इसको क्यूब वाले के नीचे लिखेंगे 9x3। अब बनेगा क्या, बनेगा स्क्वायर वाला, क्यों, 3x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 3x2। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है ना, 3x2। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये 0। प्लस 5x3 माइनस 9x3, तो देखो माइनस 4x3,
अब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, टेन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस टू एक्स। अब डिवाइड करो माइनस फोर एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से। माइनस फोर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, फोर एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो माइनस फोर एक्स क्या, माइनस फोर एक्स। माइनस फोर एक्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, फोर एक्स क्यूब माइनस फोर को प्लस थ्री से, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। साइन चेंज करो, प्लस 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 जीरो हो गया, प्लस ट्वेल्व में से माइनस टेन क्या बचेगा, टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सिक्स एक्स, और नेक्स्ट टर्म क्या आपने टू। अब टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टू आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस टू। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, क्या आ गया रिमाइंडर, जीरो आ गया, है ना, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखो जो अपना कोसेंट आ रहा है उसमें भी क्या आ रहा है, पहले पावर टू थी, फिर वन हुई, फिर कॉन्स्टेंट हुआ आंसर, ये ऐसे होता राइट में, है ना, राइट आंसर है, मतलब इस ऑर्डर में आएगा जो आंसर आएगा, कोसेंट आएगा, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो क्या है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है वो किसका फैक्टर है, थ्री एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का फैक्टर है, ठीक है, इसको आपको लिख लेना। फिर थर्ड वाला देखते हैं, देखो थर्ड में क्या आपने एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन किसको डिवाइड करना है, एक्स फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इससे आप क्या करना है, डिवाइड करना, ठीक है। अब एक्स फाइव को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स फाइव को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो पावर फाइव थी, यहाँ पे थ्री थी, थ्री से थ्री कैंसिल, क्या बचा, टू बचा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फाइव, यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होती है तब क्या होता है, पावर एड हो जाती है, पावर टू है और यहाँ पर वन है तो कितनी हो गई, पावर थ्री हो जाएगी, तो माइनस थ्री एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एड करने पे साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, जीरो हो गया। माइनस फोर एक्स क्यूब मिलके माइनस फोर एक्स क्यूब और प्लस थ्री एक्स क्यूब क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो गया, जीरो, और नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब कैंसिल, क्या माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, माइनस वन, माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवीजर से, तो डिवीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब, माइनस वन को माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस थ्री एक्स। अब माइनस वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, क्या हुआ, जीरो, ये भी जीरो, लेकिन प्लस वन और प्लस वन मिलके कितना हो गया, प्लस टू, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तो ये वाला जो इसका है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा थ्री एक्स फोर माइनस प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स है, यहाँ पे माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, यहाँ पे क्या है, टेन एक्स है, टेन एक्स माइनस फाइव, इसके आपको टू जीरोज हैं, रूट फाइव अपॉन थ्री, रूट फाइव अपॉन थ्री, एक प्लस में है, सेकेंड वाला क्या है, माइनस में है। अब आपको ये बताना है इसमें कि इसकी डिग्री कितनी है, पहले तो फोर है इसकी डिग्री, फोर डिग्री है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, फोर होंगे, आपको कितने जीरोज गिवन है, टू जीरोज गिवन है। अब टू जीरोज गिवन है तो बाकी के टू अपने को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो जीरोज है आपके पास में रूट फाइव अपॉन थ्री एंड माइनस रूट फाइव अपॉन
ठीक, यहाँ से आप फैक्टर बनाते हो तो फैक्टर क्या बनेंगे, देखो यदि इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री, और इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस रूट फाइव अपॉन, है ना। यदि आपको जीरोज वन दे रखा है तो आप यहाँ से क्या फैक्टर बनाते थे, x माइनस वन, x माइनस वन दे रखा था तो यहाँ से क्या बनाते थे, वन बनाते थे, सेम वैसे ही करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करके फिर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे यदि ऐसा हो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री, एक्स प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री। अब देखो अब क्या करना है आपको, कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री है तो यहाँ से थ्री है, तो इनको मैं दोनों नंबर्स को क्या कर रहा हूँ, मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, क्या बन गया अपने पास में, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को डिवीजर बना के किसको डिवाइड करना है, थ्री एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। अब देखो यहाँ से अपने पास में क्या है, ये डिवीजर है, ये डिविडेंड, और यहाँ से जो आंसर आएगा, अपन ने पहले भी किए थे, नाइन्थ में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने, यदि आपको टू जीरोज गिवन है तो यहाँ से टू जीरो से आप पहले क्या बनाओगे, दो फैक्टर बन जाएंगे, उन दोनों फैक्टर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो अपने को टू जीरोज गिवन थे, उन दोनों से अपन ने क्या बनाया, फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाने के बाद में इन दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये अपने पास में टर्म आया, इससे अपन ने क्या बना लिया, दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई करके एक नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है। अब इससे अपन क्या करेंगे, जो अपने को पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से इसको अपन डिवाइड करें, और जो रिजल्ट आएगा फिर उसको क्या करके, उसके फैक्टर करके टू पॉलिनोमियल जो बच्चे में हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना। अब देखो यहाँ से देखो कि थ्री एक्स फोर को थ्री एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स फोर। अब एक्स स्क्वायर को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखा है, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये जीरो। अब सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स और माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या बना, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म क्या, माइनस टेन एक्स। अब सिक्स एक्स क्यूब को डिवाइड करना है आपको थ्री एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा, देखो सिक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स आ जाएगा, तो क्या हुआ, प्लस टू एक्स। अब टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स क्यूब, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टू को तो क्या होगा, माइनस टेन एक्स, क्या आएगा, माइनस टेन एक्स। अब साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी क्या हो गया, जीरो। अब क्या बचा अपने पास में, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, यहाँ पर भी क्या, थ्री एक्स स्क्वायर, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ, वन टाइम, तो प्लस वन, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, ये हो गया जीरो, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। अब यदि आपका यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं डिवीजन में क्या किया, गलती की है, तो आपको क्या करना है, जब इससे फैक्टर से ही तो डिवाइड कर रहा अपन, ये भी क्या इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर से डिवाइड करने पर हमेशा क्या आता है, रिमाइंडर जीरो आता। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस ये चीज़ आ रही, इसको डिवीजर इनटू कोसेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे, रिमाइंडर वैसे भी जीरो है, ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। अब यदि इसका मैं फैक्टर करता हूँ, क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यदि मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो जो दो फैक्टर आएंगे वो क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, एक्स टू एक्स को मैंने एक्स प्लस एक्स में ब्रेक किया। अब यहाँ से एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस वन एक्स प्लस वन, तो यहाँ से एक्स प्लस वन कॉमन आया, इधर से भी एक्स प्लस वन
x प्लस वन को यदि जीरो पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस वन, इधर से भी क्या आ गया माइनस वन, तो x इक्वल्स टू अपने पास में और क्या क्या फैक्टर आ गया, एक माइनस वन, सेकेंड वाला भी क्या है माइनस वन, और पहले से आपको कौन कौन से गिवन थे रूट फाइव अपॉन थ्री और माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके, चार फैक्टर हो गए, फोर फैक्टर फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई ए पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, ठीक है। तो आपके पास में कोशेंट एंड रिमाइंडर आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है जी एक्स फाइंड करना है। देखो क्या है इसका सॉल्यूशन कि जी एक्स आपको फाइंड करना है, जी एक्स से किसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर आ रहा है आपके, देखो रिमाइंडर है आपके पास में माइनस टू एक्स प्लस फोर और कोशेंट कितना है एक्स माइनस टू, ठीक है। कोशेंट क्या आपने एक्स माइनस टू, अब अपने को फाइंड क्या करना है ये वाला टर्म डिवीजर फाइंड करना है। अब देखो डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड होता, क्या होता डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये थ्योरम होती है अपनी। अब यहां से अपन क्या करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये कैसा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज अपन ऐड कर देंगे, तो जी एक्स इंटू, ये कोई टर्म है जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, और उसमें ऐड क्या करना आपको माइनस टू एक्स प्लस फोर, क्या है माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब देखो अपने पास में एक इक्वेशन आ गई, ये चीज यहाँ पे प्लस में है तो इसको अपन इधर सेंड करते तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और मैं इसको इधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब इधर आपके पास में क्या बना जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा देखो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ से अपने पास में देखो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ये वाले दोनों सेम, तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स और x मिलके कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस टू और माइनस फोर मिलकर माइनस टू हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा आपके जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब अपने को जी एक्स फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में चल जाएगा, ये आ गया इसके डिवाइड में, क्या हो गया एक्स माइनस टू। अब अपने जी एक्स है जो वो क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को किससे डिवाइड करना है आपको एक्स माइनस टू से। अब जी एक्स क्या होगा अपना, इसको इससे डिवाइड कर दो, जो कोशेंट आएगा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा जी एक्स होगा, तो अपन इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। देखो क्या करना है आपको जी एक्स इक्वल्स टू है आपके एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में क्या है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से आप डिवाइड करो इसको एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करना है अपने को एक्स से डिवाइड करना है, पावर थ्री है तो क्या बना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डिविजर से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज कैंसिल, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे प्लस थ्री एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया वापस डिविजर से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस टू से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा प्लस टू एक्स, अब साइन चेंज तो माइनस प्लस ये जीरो हो गया, यहाँ पे बना आपके एक्स और नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस टू, तो इस बार लेंगे अपन प्लस वन और क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस माइनस, ये हो गया सारा जीरो, लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया जीरो, और जो ये रिजल्ट था यहाँ से आप देखो इसके इक्वल में क्या आ गया यहाँ से अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन,
तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, आपके जी एक्स की, ये किसकी वैल्यू है, जी एक्स की। ठीक है, इस टाइप से आप डिवीजन करके सोल्व कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये अपने किसकी वैल्यू आ गई, डिवीजर की। आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसके आगे का 2.4। थैंक यू।